सर आई हैव अप्लाइड फॉर 2 डेज़ लीव नेक्स्ट वीक. मैंने सिस्टम में डाल दिया है तो आपको अप्रूवल के लिए आ गया होगा मेल. क्या है? शादी है सर फ्रेंड की. ओह हाँ, अच्छा 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 फिर तो ठीक है. थैंक यू सर. ए थैंक यू. किस खुशी में? वो आपने छुट्टी के लिए ठीक है बोला ना तो. अरे मेरा मतलब था कि दोस्त की शादी है ना, तो मिस कर सकते हैं. फैमिली वाला इमोशनल चक्कर नहीं है. एक सॉरी भेजो और पीछा छुड़ाओ. एज इट इज यू हैव अ प्रोडक्ट लॉन्च दिस मंथ, उस पर फोकस करो प्लीज. या मतलब मैंने रिजेक्ट कर दिया. आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा. छुट्टी मांगते रहते, काम करने वाला कोई है नहीं इस कंपनी में. सब कुछ मेरे को देखना पड़ता है. अबे गंजे, क्या इधर उधर क्या देख रहे हैं? तेरे से बात कर रहा हूं. हाउ डेयर यू टॉक. बिल्कुल चुप. आज मैं बात करूंगा और तू सुनेगा. गंजा क्या हो गया? खुद को शाकाल सुनाने लग गया. ये हर बार बच्चे हो तुम, बच्चे हो तुम, उसकी गोली जो पिलाता है ना तू, ये फेक ज्ञान, ये फेक कंसर्न, अगले साल बेटर होगा, ये सब जो तू बोलता है ना हर साल अप्रेजल में. अबे तू जैसे बॉसेस की वजह से लोग कंपनी छोड़ते हैं. साले कुछ तो बिना बिना नए जॉब लगे एग्जिस्टिंग नौकरी छोड़ देते हैं यार, जस्ट टू अवॉइड ब्लड सकिंग पैरासाइट्स लाइक यू. और अपने हक की छुट्टी मांग रहा हूं यार. तेरे नेट बैंकिंग का पासवर्ड मांग रहा हूं क्या? मेरी छुट्टियों पे मेरा हक है और किसी का नहीं, नॉट इवन माई बॉस. और मैं अपनी छुट्टियों के साथ क्या करता हूं, कब करता हूं, कैसे करता हूं, वो मेरा कॉल है यार. कंपनी ने ऑफर लेटर दिया था ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था उसमें, भैया ये तुम्हारी छुट्टी है, ले लो एंजॉय करो. क्या हुआ उसका? अगर नहीं लूंगा ना, दे लैप्स लाइक एवरी गुड थिंग इन लाइफ, माय लीव विल लैप्स. एक तो साला स्ट्रक्चर और हायरार्की के नाम पे ना ये अप्रूवल प्रोसेस सिस्टम ने बना रखा है, जिस वजह से हम जैसों को तुम जैसे से अप्रूवल लेनी पड़ती है. और तुम यहां बैठ के इस पावर का, इस पोजिशन का पूरा फायदा उठाते हो. रॉब झाड़ते रहो दिन भर बैठ के, हम बाहर बैठ के पिस रहे हैं, हम पिस रहे हैं, हमारे साथ हमारी छुट्टियां पिस रही है और तुम कर रहे हो ऐश. क्यों बे? हम क्यों करें सैक्रिफाइस? बात बता, एवरी सिंगल टाइम व्हाई डू वी हैव टू मेक दीज सैक्रिफाइसेस? तू कैसे हर साल फैमिली वेकेशन में निकल जाता है? कैसे जा रहा है तू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हर साल? क्योंकि हम बैठे हैं पीछे तुम्हारा काम सही करने को. बस अपना सामान पैक करो, आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई डालो और निकल लो. काम उठाओ अपना, दे दो किसी जूनियर को, हम जैसा गरीब बैठा है ना काम करने के लिए. Please get in touch with my favorite slave whose number and details are given below because I have limited access to internet over the course of next 2 weeks. ऐसे ही डालता है ना तू आउट ऑफ ऑफिस? नहीं साला, तुम्हारे निकलने के बाद जो गंद फैलता है यहां तुमको पता है? दिन भर साला दिन भर कॉल अटेंड करते रहो, तुम्हारा स्यापा साफ करते रहो, तुम्हारा रायता साफ करते रहो, ये काम होता है. तुमको पता भी चलता है? ये चलता है पता? नहीं, क्योंकि तुम तो रिलैक्स कर रहे हो ना यार, तुम तो रिजुविनेट कर रहे हो यूरोप में. नहीं साला, हमें शौक नहीं क्या? हमें शौक नहीं हम भी ऐसे आउट ऑफ ऑफिस मार के निकल जाएं? लेकिन हमारे पास लोग कहां हैं भाई? हमारे अंडर है लोग, किसके भरोसे निकल जाए काम छोड़ के? हम तो साला छुट्टियों में भी घर पे बैठ के हगते हुए, मूंदते हुए, खाते हुए साला ऑफिस के कॉल उठाते रहते हैं. क्योंकि तुम जैसा है कि बहुत सबका ऑफिस में बैठा है जो व्हाट्सएप करता है और वेट करता है कि कब ये फोन देखेगा, कब ये डबल टिक ब्लू टिक में कन्वर्ट होगी, कब ये ऑनलाइन होगा कि मैं उसको फोन करूं और एक और काम दूं. घर में पेरेंट्स बैठे हैं, फैमिली बैठी है, लेकिन नहीं, तेरा फटीचर काम खत्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बात बता, जब मैं घर पे होता हूं अपने फैमिली के साथ, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए? तेरे माँ बाप नहीं है क्या बे? हैं? साला टेबल पे माँ बाप खाना लेके बैठे रहते हैं कि लड़का घर में है आज, हमारे साथ खाना खाएगा. खाना ठंडा हो गया लेकिन मैं नहीं आता.
क्यों? क्योंकि मैं तेरे कामों को खत्म कर रहा हूं भाई। नहीं साला, तब रियलाइज होता है कि जब काम ही करना था तो ऑफिस में ही बैठ जाते हैं, छुट्टियां क्यों वेस्ट की? साला माँ बाप ताने मारते हैं यार, कहते हैं बेटा यार जब ऑफिस का ही काम करना तो ऑफिस में कर लेते ना, घर पे क्यों आए हो? तुझे दीपक पता है, आईटी वाला पता है? वो अपने सुहाग रात के दिन पूरी रात अपने बॉस के साथ फोन पे था। वो तो शुक्र है उसकी बीवी भी आईटी वाली थी, तो अलग ही कॉन्फ्रेंस कॉल उनका चल रहा था अपना क्लाइंट के साथ, बच गई उनकी शादी क्योंकि दोनों पिस रहे थे इस सिस्टम के अंदर। अबे कितने एग्जांपल दूं तेरे को बे। संतोष याद है पिछले महीने क्या हुआ था उसके साथ, ऑपरेशंस वाला? साला हॉस्पिटल में बैठा था लेकिन सिक लीव अप्लाई नहीं कर सकता था वो। इतने खुशनसीब कहां है भाई हम, हैं? एक हाथ में साला ड्रिप की बॉटल है, एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ से साला अपनी जान बचा रहा है, दूसरे हाथ से अपने बॉस के रिव्यू मीटिंग की पीपीटी बना रहा है। तुम्हें पता भी चलता है ये सब नहीं? क्योंकि तुम्हें तो अपना कलेजा कैसे ठंडा होगा यार, दुख नहीं दोगे हमको तो? डेटा 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 ले साले, तेरे को डेटा चाहिए ना, मैं देता हूं डेटा। दुनिया में छुट्टी ना मिलने से वंचित देशों में पांचवें नंबर पर पता है कौन सा देश है? भारत। इसी रिसर्च के हिसाब से 60% भारतीय जो ऑफिस जाते हैं उनको ये लगता है कि उनको छुट्टी मिलती ही नहीं है। 71% भारतीयों को ये लगता है कि उन काम की वजह से या तो उन्होंने छुट्टी कैंसिल की है या उन्होंने छुट्टियां पोस्टपोन की है। और सुन, और डेटा लेगा ये देख, 42% भारतीय काम की वजह से, 40% वर्क शेड्यूल की वजह से, 30% अपने बॉस की वजह से, 21% रिप्लेस होने के डर से, 20% बॉस को खुश करने की वजह से छुट्टी नहीं लेते यार। और चाहिए डेटा? नहीं चाहिए तो बोल। और क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था? कि दोस्तों की शादी अटेंड करना जरूरी नहीं है, दोस्त मायने नहीं रखते। अबे तू जानता है दोस्ती क्या होती है? साले जब मंथ एंड में ना मेरे अकाउंट में एक बियर खरीदने का पैसा नहीं होता तो यही दोस्त होते हैं जो मुझे उधार देते हैं, साथ में बैठ कर बियर पिलाते हैं। जब इस पर कल्चर की वजह से सालों पुरानी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाती है तो जख्म पे मरहम लगाने यही दोस्त आते हैं। तू अप्रूव कर या ना कर, मैं जा रहा हूं शादी में, ठीक है? क्योंकि मेरे दोस्त मेरे लिए मायने रखते हैं, तुझसे तो कहीं ज्यादा। और नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा, इस कमरे में तेरे साथ बैठूंगा, तेरी तारीफों के झूठे पुल बांधूंगा कि तू मुझे अप्रेजल देगा, प्रमोशन देगा। नहीं नहीं माने मेरा तेरी चाटने का। एक काम करता हूं यार, कहानी खत्म करते हैं। मैं अप्लाई कर रहा हूं परमानेंट छुट्टी, ठीक है? अगले 10 मिनट में तेरे मेलबॉक्स में मेरा रेजिग्नेशन आ जाएगा, उसका प्रिंटआउट ले लेना, उसकी बत्ती बना लेना और अपनी डाल लेना, ठीक है? बॉस बनो, भगवान मत बनो।